तो कार्तिक आर्यन को आजकल कौन पसंद नहीं करता, वो सभी के दिलों पे राज करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको कार्तिक आर्यन से जुड़ी दो सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि आज की थ्री में कार्तिक आर्यन के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस होंगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। 10 मार्च को एक फिल्म रिलीज होने वाली है, तू झूठी मैं मक्कार, जिसके लीड रोल में श्रद्धा कपूर और रणवीर कपूर। और इस फिल्म की हाइप काफी ज्यादा है क्योंकि श्रद्धा कपूर और रणवीर कपूर की जोड़ी काफी ज्यादा नई है ऑडियंस के लिए और लोग इनको बहुत ज्यादा एक्साइटेड है स्क्रीन पे देखने के लिए। और अब खबरें ऐसी आ रही है कि तू झूठी मैं मक्कार में कार्तिक आर्यन का एक कैमियो रोल हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो लोगों के लिए काफी ज्यादा सरप्राइज होगा कार्तिक आर्यन को इनके साथ देखना। और उनका कैमियो रोल होने का भी चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि लव रंजन जो कि तू झूठी मैं मक्कार के डायरेक्टर, उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ काफी फिल्में की है जैसे की प्यार का पंचनामा और सोनू के टिट्टू की सिटी, जिससे उनको काफी ज्यादा फेम मिली है। श्रद्धा कपूर भी कई इंटरव्यू के दौरान हिंट देते नजर आए कि कार्तिक आर्यन हो सकते हैं कैमियो रोल में, तो लोगों का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुका अब कार्तिक आर्यन को देखने के लिए। और दूसरी अपडेट ये आ रही है कि आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन के अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया जा सकता है। लव आजकल 2 में सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया था और उनके लव अफेयर्स के भी खबरें आ रही थी इस फिल्मों के बाद। वैसे तो अब उनके बीच कुछ भी नहीं है, फिर भी सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की जोड़ी को लोग आज भी उतना ही मिस करते और चाहते हैं स्क्रीन पे दोबारा से देखना। तो ऐसे चांसेस है कि सारा अली खान एक बार फिर से कार्तिक आर्यन के साथ हमें स्क्रीन शेयर करते हुए दिखें और फिर से हमें कार्तिक एक बार स्क्रीन पे रोमांस करते हुए दिखे साथ में। वैसे आपके हिसाब से कौन सी एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहिए कार्तिक आर्यन के अपोजिट आज की 3 में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप कार्तिक आर्यन को इन दोनों फिल्मों में देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? अगर कार्तिक आर्यन के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।